अभी खत्म है, बीजेपी खत्म है, ये है बीजेपी सरकार, ये है वहाँ खज्जल करते हैं। गवर्नर के पास भी गए थे, ये देखिएगा लिख के बढ़ गया, हम लोग कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से खाना हुए, अब लिख लिख के बता रहे हैं ये हमें, ये देखिएगा नौकरी को लेकर। द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं सुनी डोगरा। जम्मू के हालात की बात करें कि जम्मू कमंदरों के शहर के साथ साथ प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है, यहाँ तक कि विकलांग लोगों के साथ साथ तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते चलते हैं। ये वो लोग हैं जो ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, यहाँ तक कि इनको भी हालात के साथ साथ सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाते किस तरह से इशारों इशारों में बातचीत करते हुए, ये देखिएगा ये वो लोग हैं, ये लोग ना बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, इशारों के साथ साथ बात करते। पीछे तक देखिएगा स्कूल के जिसमें बच्चे भी हैं, ये वही लोग हैं। और यहाँ तक कि इनका फ्यूचर की बात करें, क्या फ्यूचर है, ना ही ये बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। और आज ये भी लोग आए सड़कों पे डफ एंड डम से फ्यूचर, देखिएगा किस तरह से इशारों इशारों में बात करते हुए अपनी मांगों को लेके इनको भी आज सड़कों पे आना पड़ा। ये देखिएगा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1995 से ये देखिएगा यहीं पे है ये लोग, लेकिन इनकी अभी तक बात किसने नहीं सुनी। 1995 से यहीं पे है, तब से आपकी मांग नहीं पूरी हुई, देखिएगा बोल नहीं सकते लेकिन इशारों में बता रहे हैं। ये देखिएगा ये देखिएगा गवर्नर मनोज सिन्हा, उनके पास भी उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्वासन झूठे दिए। ये पास कीजिएगा, इनको भी दिखाइएगा, सिर्फ खाते हैं, ये देखिएगा सिर्फ आश्वासन देते हैं, सिर्फ आश्वासन, कभी उधर बुलाते हैं कभी इधर बुलाते हैं। जनाब इनको भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते लेकिन इशारों इशारों में बता रहे हैं कि गूंगी बैरी सरकार है, सिर्फ यहाँ पे बेचते हैं सिर्फ वहाँ पे बेचते हैं। ये पूरा ये देखिएगा पढ़े लिखे लोग हैं, ये देखिएगा यूटी के बारे में बता रहे हैं कि बर्बाद है, सीएम कुछ नहीं है यहाँ का, ये इशारों इशारों में बताते हुए दूसरी तरफ से ये सभी लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आ चुके हैं। गैस का रेट बता रहे हैं कि इतनी हमारी मांगे हैं, हम लोग खाने की मुमताज है महंगाई के साथ साथ, ये देखेगा सभी बताते हुए कोशिश कर रहे हैं बोलने की लेकिन बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते लेकिन इशारों के साथ साथ ये बता रहे हैं। जनाब लिख के बता रहे हैं, आज इनको भी सड़कों पे आना पड़ा। तस्वीरें जो है वो पास करके दिखा दे, ये देखिए गैस सब्जी के रेट जो है वो इनका बताना है, दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं, दालें महंगी हो रही है, सब्जी गैस महंगी हो रही, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग कहाँ से खाए। ये साफ लिख रहे हैं हम सब गरीब हैं, पूर हम सब गरीब हैं, हम गरीब फैमिली से हैं, खाने के मुमताज हो रहे हैं। ये देखिएगा सभी यहाँ पे इशारों से हैं, इनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। तस्वीरें आपको पास करके दिखा रहे हैं, आज का जो इंटरव्यू सबसे अलग आपको दिखाई दे रहा है, सबसे डिफरेंट इंटरव्यू दिखा रहे हैं जी, जॉब नहीं है। ये देखिएगा प्रॉपरली बता रहे हैं, अजीब हमें भी लग रहा है कि आज इनको भी सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते। ये देखिएगा ये भी इशारों इशारों बताते हुए, आज का मैं फिर से बोलूंगी द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से सबसे अलग इंटरव्यू दिखा रहे हैं। बहुत सारी इनकी डिमांड है लेकिन क्या करें, क्या करें, ये लोग लिख लिख के किसको बताएंगे, लिख लिख कर महंगाई महंगाई को लेके ही महंगा हुआ सामान, पैसे नहीं है कहाँ जाएंगे। सबसे डिफरेंट इंटरव्यू कि इन लोगों को भी सड़कों पे उतरना पड़ा, इशारों में बता रहे हैं बात करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, रब की मार है कि ये बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते। देखिएगा लिख लिख के बता रहे हैं, ये देखिएगा सभी आपस में बात कर रहे हैं लेकिन इनका एक पर्सन है, हाँ बीजेपी निकम्मी सरकार बीजेपी का मुमताज है, तो इन्हीं के साथ साथ जो इनके मेन एक सदस्य है उनसे बातचीत करके जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या मुद्दे हैं जो कि इनको आज सड़कों पे उतरना पड़ा। खा रहे हैं जनाब, क्या हालात है इनके, किस तरह से घर पे ये लोग रहते होंगे, क्या काम करेंगे, ये लोग ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इशारों में बातें कर रहे हैं।
क्या कुछ बीत रही है, आज इनको भी सड़कों पर आना पड़ा। साफ तौर पर इन्होंने कहा महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार निकम्मी है। यहाँ तक एलजी मनोज सिन्हा के पास भी गए, उसने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकाया। तो वहाँ तक कोशिश भी कर रहे हैं मिलने की, लेकिन मिलाया नहीं जा रहा। ये देखिएगा ये घर पे कैसे रहते होंगे, क्या करेंगे ये लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इशारों इशारों में आपस में बातें कर रहे हैं। और इनके साथ भी हालात इतने बुरे हो सकते हैं कि जनाब जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हालात की बात करें, इतने बदतर हालात होते जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है जो कि हमसे बातचीत करके जानेंगे उनका इस पे क्या कहना। देखिए जी, वर्ल्ड डिसेबल्ड डे है 3 दिसंबर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मखसूस किया है आज के दिन, चाहिए है सरकारों को देखना कि हैंडीकैप के। तो चलिए जो मेन है इनसे बातचीत करके जानते हैं जी सर क्या कहेंगे। जैसे ये लोग भी आज जम्मू के हालात की बात करें, इतने बुरे हालात है कि इनको भी सड़कों पे आना पड़ा, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने हमें बात करने की कोशिश की, हमने भी समझा, यहाँ तक लिख के भी बताया, गैस, सब्जी, दालें, बीजेपी सरकार, क्या कहेंगे इस पे? कहना क्या है, आप तो जानते हो एक नॉर्मल आदमी जीने के लिए मजबूर हो गया इतनी महंगाई में, तो ये बच्चे क्या करेंगे। आप एडल्ट हैं, पेरेंट्स पर दबाव नहीं डाल सकते, उनकी इनकम भी इतनी नहीं है कि वो इनके खर्चे पूरे कर सकते हैं। हम सरकार को कहते हैं भाई इनकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट कर लो, इनको एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली रिहैबिलिटेट कीजिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब तो आर्टिकल 370 भी ख़त्म हो गया, इसके बाद तो अब इंडियन यूनियन है, बाकी स्टेटों में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सरकारी या तो उनके कानून में सुनाई नहीं जाती है या वो देख नहीं पा रहे हैं इन बच्चों को। अब देख लीजिए यहाँ पर एक ही एनजीओ है जो डेफेंडम का काम करते, एक हायर सेकेंडरी स्कूल चला रही है, वो भी जम्मू सिटी में, हॉस्टल है ही नहीं, जो बच्चा खुद मैनेज करेगा स्कूल आना घर जाना वही बच्चा दाखिला लेता है, जबकि हमारे जम्मू में डेफ की तादाद हज़ारों में है, हज़ारों में रहे। डोडा में एक गांव है, डाढ़ का ही गाँव, जहां मोर देन 60% डेफ एंड डम है। पुंछ में एक गांव है जहां मोर देन 60% डेफ एंड डम, महरूम है, सरकार की मेहरबानी। हम चाहते हैं इनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स हों, इनको एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाइए ताकि ये मॉरली भी साउंड हो जाएंगे और रिहैबिलिटेशन से ये अच्छे नागरिक बनकर इज्जत से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और देश के लिए एक एसेट बने। तो हमारी ये मांग है सरकार से, हम चाहते हैं ये क्लास फोर अपॉइंटमेंट्स में आपने एक कट ऑफ मेरिट रखा जिसमें आपने मेंटली साउंड जो है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप और एक मेंटली रिटार्डेड को कंपटीशन में डाल दिया, कट ऑफ मेरिट में एक डेफेंडम को कंपटीशन में डाल दिया, एक ब्लाइंड को कंपटीशन में डाल दिया, कैसे कम्पीट करेंगे उसके साथ, वो तो मेंटली साउंड है, ये तो मेंटली अनसाउंड है। इसलिए हम कहते हैं कि चारों कैटेगरियों का कट ऑफ मेरिट जो है वो अलग अलग रखे है, अपने अपनी कैटेगरी में ये कम्पीट करेंगे, दिखाएंगे अपना टैलेंट दिखाएंगे, और हर काम ये कौन सा काम है जो ये नहीं कर सकते हैं, ये मैं दावा करता हूँ, इनको जहाँ भी बिठाओ, जो भी काम इनको 2 दिन गाइड करिए, 3 दिन गाइड, उसके बाद देखिए आपसे आगे निकले। साफ तौर पर यही कहना है कि ये बेशक बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन काम करके दे सकते हैं। दे आर वेरी टैलेंटेड, इनको राइट वे, इनको सही रास्ता बताइए, इनको सही टेक्निक बताइए, और उसके बाद देख लीजिए ये कहाँ पहुँचता है इसका। क्या कहोगे जिस तरह के जम्मू के हालात की बात करें, ये लोग चलिए माना कि इनका आपका भी मुद्दा जायज़ है, ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अपने मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे, लेकिन जो बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो भी सड़कों पे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो सुन बोल सकते हैं वो समस्याओं का समाधान कुछ हद तक कर सकते हैं, प्राइवेट फील्ड इतना है, मैंने देखा है पढ़े लिखे ट्यूशन्स पर गुजारा करते हैं, दुकानों में सेल्समैन काम कर, ठीक है क्वालिफिकेशन ज़्यादा, लेकिन शर्म नहीं करते हैं, ये तो उस काबिल भी नहीं है, इस डेफ एंड डम को कौन सा दुकानदार अपने पास सेल्समैन रखेगा, इनको स्कूल में अगर मुझे किसी बच्चे को बुलाना है मुझे खुद उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि मैं आवाज़ लगाऊँ इसने सुना ही नहीं, इसलिए मुझे खुद जाना पड़ता है, तो इनकी समस्याएं उनसे डिफरेंट है, और गवर्नमेंट को चाहिए पहली तवज्जा इनकी ओर दे,
नॉर्मल के साथ तो कई प्रोग्राम्स हैं, नॉर्मल बिजनेस कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, लेकिन ये क्या करेगा? इसको प्राइवेट, अगर मैं आपको कहूँगा इसको घर में नौकर रखो या बर्तन मांजेगा सफाई करे, आप भी नहीं रखोगे, कहोगे मुझे एक बंदा इसके पीछे रखना है, ओ सुनो ओ इधर आओ अब ये उठा अब, तो इनको ये वहाँ से भी महरूम होते हैं। हमने गवर्नमेंट से कहा था ये जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज इनको कम से कम 60 के बदले में 65 रखो रिटायरमेंट, क्यों 60 के बाद एक नॉर्मल आदमी प्राइवेट काम कर सकता, दो इनको कोई नहीं काम देता है, तो ये इसी पर डिपेंड करते हैं। चलिए वो मसला तो छोड़ दीजिए, मगर हम चाहते हैं कि इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, इनको अच्छा नागरिक बनाने के लिए, इनके लिए कदम उठाइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलिए, ITIs खोलिए, पॉलिटेक्निक्स खोलिए, और दूसरा इनका जो रिजर्वेशन कोटा जॉब्स में है उनको सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि ये महरूम ना रहें। ये भी इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है, ये हमारा काम है, सरकार का काम है उस ओर इनको आगे बढ़ाना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें देख सकते हैं एक बार फिर से, सब भी यहाँ पे अपने अपने में व्यस्त है, ना ही बोल सकते हैं, इशारे इशारे में बातें चल रही, दिखाते चले एक बार अर्जुन सभी, वो देखिएगा किस तरह से ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। आपका इनके बारे में क्या कहना है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ख़ासकर पे इस ऐसी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इनकी जो भी डिमांड है सरकार की तरफ से जल्द पूरी की जाए। देखते रहेगा द लेटेस्ट न्यूज़, कैमरामैन अर्जुन राम के साथ सुनी डोगरा को दी छा गया, नमस्कार।